गुजरते हुए देख रहे थे तो बड़ा सरप्राइजिंग था उनके लिए कि यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं जब स्कूल लाइफ में था और स्कूल से गुजरते हुए जब मैंने घर वापस आना, स्कूल से वापसी पे मैं उस वक्त मेरी इंस्पिरेशन एक कमर्शियल पेंटर हुआ करता था। एक पेंटर को जब मैं लिखते हुए देखता था तो मैं इस आर्ट को बड़ा मैजिकल आर्ट समझता था कि शायद इसके हाथ में कोई जादू है। और मेरा जो आर्ट है ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट दोनों तरह के आर्ट हैं। कैलीग्राफी मॉडर्न आर्ट में भी है और कैलीग्राफी ट्रेडिशनल आर्ट में भी है। ट्रेडिशनल कैलीग्राफी और मॉडर्न कैलीग्राफी, ये दोनों ही कैलीग्राफी को मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है ना वो रखा हुआ है। और इस यहाँ पे मैंने जो काम किया है इसके अंदर बैकग्राउंड में इकबाल की ही पोइट्री है, लेकिन वो मॉडर्न आर्ट में है, मॉडर्न आर्ट स्टाइल में है, मॉडर्न कैलीग्राफी में है। प्लस जो सर्कल के अंदर जो मैंने कैलीग्राफी की है वो ईरानी खत है, ईरानी नस्तलीक भी है और ईरानी मॉडर्न नस्तलीक है, इसको भी मैंने स्टाइलाइज किया है। मास्टर पेंट यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन कई साल हो चुके हैं। मैंने इसके डिफरेंट मीडियम्स यूज़ किए हैं, इमल्शन भी, इसका वेदर शीट भी, एनेमल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो डिफरेंट इसके जो पेंट्स हैं इनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। एनेमल की अपनी एक क्वालिटी है और इसकी क्वालिटी में सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और इसके शेड्स जो हैं वो आलमोस्ट बाकी पेंट्स की नस्बत भी ज़्यादा हैं। गैलरी लेवल से हट के जो पब्लिक प्लेस पे काम करने का हमें जो चांस मिला है इस फेस्टिवल के थ्रू, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हमारी इंटरेक्शन भी हुई है, उसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे हमें। और प्लस जो हमने अपना इसमें जो काम किया है इतने बड़े स्केल पे फर्स्ट टाइम इस फेस्टिवल के थ्रू, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास।